हाई फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज मैं आपसे शेयर करूंगी 6 डिफरेंट वेज टू क्रिएट फ्रंट पुफ हेयर स्टाइल। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो वे है ये है ट्विस्टिंग वे। ये सबसे इजी वे है फ्रंट पुफ क्रिएट करने के लिए। इसके लिए आपको फ्रंट एरिया से कुछ इस तरीके से हेयर सिलेक्ट करना होगा, उसे अच्छी तरह से कॉम कर लेना होगा रिटेंगल करने के लिए। अभी आपको हेयर को कुछ इस तरीके से होल्ड करना है, 2-3 इस तरह से ट्विस्ट लगाना है एंड सामने की तरफ पुश करना है। ये देखिए बहुत ही ईजिली पुफ क्रिएट हो गई। अभी इसे आपको बॉबी पिन से सिक्योर कर लेना है। यहाँ पर आपको 2-3 बॉबी पिन यूज़ करना होगा एंड इसी के साथ हमारी फर्स्ट जो वे है पुफ क्रिएट करने के लिए तैयार हो गई। तो ये सबसे इजी वे है, बहुत सारी गर्ल्स ये फॉलो करते हैं बट बहुत सारी गर्ल्स को ये भी करना नहीं आता है। तो उनके लिए बाकी जो वेज यहाँ पर मैं दिखाऊँगी आप वो फॉलो कर सकते हैं। तो सेकेंड जो वे है गाइज, इसके लिए आपको सेम तरीके से फ्रंट एरिया से हेयर को सिलेक्ट करना है, अच्छी तरह से कॉम कर लेना है डिटेंगल करने के लिए। उसके बाद आपको लेना है एक रबर बैंड। तो ये जो मेथड है रबर बैंड मेथड है, बहुत ही इजी है, आप ट्राई कर सकते हो। तो रबर बैंड से आपको सिलेक्टेड हेयर को सिक्योर कर लेना है, उसे भी 2-3 इस तरीके से ट्विस्ट लगाना है, सामने की तरफ पुश करना है। तो जहाँ पर आपने ट्विस्ट लगाया है वहाँ पर हेयर को होल्ड करके रबर बैंड को निकाल लेना है एंड वहाँ पर आपको 2-3 बॉबी पिन से सिक्योर कर लेना है। ये सबसे ईजी वे है आई थिंक। मैं भी यही ट्राई करती थी, यही अप्लाई करती थी जब मुझे ट्विस्टिंग मेथड से फ्रंट पुफ क्रिएट करना नहीं आता था। तो आप भी ये ट्राई कर सकते हो। चलिए थर्ड मेथड पर चलते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको इस तरीके का कोई भी बॉटल लेना है, हेयर को अगेन सिलेक्ट करना है, कॉम कर लेना है। अभी आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर जैसे मैंने हेयर को होल्ड करके रखा है, पीछे से आपको बॉटल को इस तरीके से इंसर्ट करना है, जस्ट लाइक दैट। अभी आपको बॉटल को सामने की तरफ पुश करना है एंड हेयर को अगेन 1-2 बार ट्विस्ट कर लेना है। ट्विस्ट करने के बाद बॉटल निकाल लेना है एंड जहाँ पर आपने हेयर को होल्ड करके रखा है वहाँ पर बॉबी पिन से सिक्योर कर लेना है। इसके बाद सामने की तरफ आप हेयर को थोड़ी सी पुल कीजिए पुफ को और भी बढ़िया बनाने के लिए एंड यहाँ पर हमारी बॉटल पुफ भी क्रिएट हो गई। अगर आपको पहला दो जो मेथड है बनाना नहीं आता है तो इस तरीके से भी आप पुफ क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो मेथड है गाइस ये है ब्यूटी ब्लेंडर मेथड। तो इसके लिए अगेन आपको हेयर को सिलेक्ट करना है, कॉम कर लेना है एंड ब्यूटी ब्लेंडर को कुछ इस तरीके से आपको इंसर्ट करना है। ये देखिए अभी इसे आपको सामने की तरफ पुश करना है, आप पुश करेंगे तो पुफ क्रिएट हो जाएगी। ये जो पुफ होती है थोड़ी सी हाई होती है। अभी आपको हेयर को ट्विस्ट करना है एंड बॉबी पिन से सिक्योर कर लेना है। ये देखिए हमारी ब्यूटी ब्लेंडर पुफ भी क्रिएट हो गई। नेक्स्ट है पुफ मेकर या फिर बम पिट से आप कैसे पुफ क्रिएट कर सकते हैं। इसे भी बढ़िया पुफ होती है बट प्रॉब्लम ये होता है बहुत सारी गर्ल्स को इसे यूज़ करना नहीं आता है। तो इसे आप कैसे यूज़ करेंगे, सेम तरीके से हेयर को होल्ड करेंगे इस तरीके से एंड पीछे से ये जो बम पिट है इसे आप इंसर्ट कर देंगे जस्ट लाइक ब्यूटी ब्लेंडर। इंसर्ट करने के बाद आपको पुश करना है थोड़ी सी, आप देखेंगे पुफ क्रिएट हो गई। अभी आपको हेयर पर 1-2 ट्विस्ट लगाकर बॉबी पिन से सिक्योर कर लेना है एंड यहाँ पर हमारी बम पिन से भी बढ़िया पुफ तैयार हो गई। इसके बाद जो मेथड है गाइस लास्ट मेथड वो है हेयर टीजिंग या फिर बैक कॉम्बिंग। तो ये बहुत सारी गर्ल्स फॉलो नहीं करते हैं, उसका भी सोल्यूशन मैं आपको बताऊंगी। तो आपको क्या करना होगा, हेयर को सिलेक्ट करना होगा, उसके बाद हेयर को छोटी छोटी सेक्शंस आपको सिलेक्ट करना है एंड बैक कॉम करना है जस्ट लाइक दिस। ये देखिए जितना मैंने हेयर को सिलेक्ट किया था सामने की तरफ कर लिया एंड छोटी छोटी हेयर बैक से सिलेक्ट करके बैक कॉम्बिंग कर रही हूँ, इससे बढ़िया पुफ क्रिएट होती है। तो यहाँ पर 4 बार मैंने हेयर को सिलेक्ट किया एंड बैक कॉम्बिंग किया। इसके बाद सामने की सारी हेयर को मैंने इस तरीके से बैक कॉम्बिंग करने के बाद आपको क्या करना होगा, ऊपर की जो हिस्सा है इसे आपको स्मूदन कर लेना है जस्ट लाइक दिस। आप इस तरह से हेयर को कॉम करके स्मूदन कर लीजिए। उसके बाद आपको फ्रंट एरिया से इस तरीके से हेयर को सिलेक्ट करना है, उसे अगेन अच्छी तरह से कॉम कर लेना है एंड 1-2 ट्विस्ट लगा के सामने की तरफ पुश करेंगे तो आप देखेंगे बहुत ही बढ़िया पुफ क्रिएट हो गई। तो बैक कॉम्बिंग से आप इस तरीके से हेयर पर फ्रंट पुफ हेयर स्टाइल क्रिएट कर सकते हैं। तो गाइस प्रॉब्लम ये होता है बहुत सारी गर्ल्स ये पसंद नहीं करते हैं क्योंकि इससे हेयर पर काफ़ी टैंगल आ जाती है एंड हेयर डैमेज भी हो जाती है। तो उसका सोल्यूशन ये है गाइस, ये देखिए यहाँ पर मैं कॉम यूज़ कर रही हूँ, कॉम अटक रही है। आपको क्या करना होगा, आपकी फिंगर्स लेना होगा एंड फिंगर्स से हेयर पर कॉम की तरह आपको चलाना होगा। ये देखिए 5-6 बार आपको इस तरीके से करना है एंड आप देखेंगे आपकी सारी जो टैंगल है वो डैंगल होगी। अभी मैं यहाँ पर कॉम यूज़ कर रही हूँ, ये देखिए थोड़ी सी भी टैंगल नहीं है।
तो आप इस तरीके से आपकी बैक कॉम्ब्ड टीज्ड हेयर को भी रेक्टेंगल कर सकते हैं। तो गाइज ये थी वो सारी आसान तरीका जिससे आप फ्रंट पुफ क्रिएट कर सकते हैं बहुत ही इजीली। आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आगे से और वैसे वीडियोज़ के।